नमस्कार, मुझे याद है जब मैं गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली में संगीत का विद्यार्थी था और वोकल म्यूजिक सीखता था। उस समय पंडित जसराज जी का गायन सुनने के लिए हम पागल रहते थे। हालांकि उस समय संगीत की बहुत ज़्यादा गहरी समझ नहीं थी, तब भी दिल्ली के मंडी हाउस में श्री राम सेंटर ऑडिटोरियम तथा कमानी ऑडिटोरियम में जब भी कोई क्लासिकल कॉन्सर्ट होता, हम सभी भाग ही चले जाते थे। विद्यालय के वार्षिक समारोह में पंडित जसराज जी जब भी स्टेज पर आते, तालियों से पूरा सभागार गूंज उठता था और पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा होता था। लोग खड़े खड़े प्रोग्राम सुनते थे। उनके गायन में जो मधुरता थी, जो भाव था, हम सारे बह जाते थे और ऐसा लगता था हम किसी तीसरी दुनिया में जा चुके हैं। उनका गायन शुरू होने से पहले और बाद में ग्रीन रूम में हम किसी न किसी बहाने से ज़रूर जाते थे। इतना खिंचाव और रस था उनकी शानदार आवाज़ में। मेरा सौभाग्य रहा है कि लाइव में उनको कई बार सुनने और सीखने का मौका भी मिला। पंडित जी का जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार जिले, जो कि हरियाणा में है, हुआ था। पंडित जी को उनके पिता पंडित मोतीराम ने ज्ञान की शिक्षा दी। पहले तबला पंडित प्रताप नारायण से सीखा और बाद में अपने बड़े भाई पंडित मणिराम जी से गायन शिक्षा ली। अच्छा, क्या आपको पता है कि तबला उन्होंने क्यों छोड़ा और गायन क्यों सीखा? क्योंकि उनका अपमान हुआ था और एक बहुत बड़े कलाकार ने उनको बोला था, चमड़ा बजाने वाला क्या जाने गायकी क्या होती है। उस दिन उनके बड़े भाई ने कहा था, जसराज कल से तू सुबह दौड़ लगाएगा और खर्च का रियाज शुरू करेगा। इस तरह कठिन परिश्रम और साधना से उन्होंने संगीत में एक नया मुकाम स्थापित किया और एक नया घराना भी स्थापित किया, जो कि मेवाती घराने के नाम से प्रसिद्ध है। पंडित जी ने जुगलबंदी का एक नया शोध प्रस्तुत किया, जिसको कि जसरंगी के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक ही समय एक पुरुष और एक स्त्री अलग अलग राग गाते हैं। अच्छा, बहुत कम लोग जानते होंगे कि पंडित जी ने एक मूवी में भी गाना गाया है। 1920 मूवी में अदनान सामी के डायरेक्शन में एक गीत गाया है, जिसके बोल थे, वादा तुमसे है वादा, वादा तुमसे है वादा, ओ वादा। ये गीत बहुत खूबसूरत है, ज़रूर सुनिएगा। उनको 1975 में पद्मश्री अवार्ड, 1990 में पद्म भूषण अवार्ड और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1987 में मिला। इसके अलावा पद्म विभूषण 2000 में मिला। बहुत सारे अवार्ड के साथ साथ कला रत्न अवार्ड, दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, संगीत रत्न अवार्ड, स्वामी संगीता पुरस्कारम, बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 17 अगस्त को न्यूजर्सी अमेरिका में उनका निधन हो गया, परंतु वो अभी भी हमारे बीच एक शास्त्रीय गायक, संगीतकार और एक गुरु के रूप में हमेशा जीवित रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।